अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये मैंने कुछ दिन पहले ईबे का अकाउंट बनाया था। मैंने जो है उसके बाद 1 मंथ कंप्लीट ईबे पे हिस्ट्री वगैरह भी डेवलप की थी, और ईबे ने फिर उसके बावजूद जो मेरा अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया था। ओके, तो ये मुझे ईमेल आई थी, योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। अब इसका क्या हल है कि अब इसका एक ही हल है कि आप जो है वो इस अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे। इस अकाउंट को क्लोज़ करने के बाद हम दोबारा उसी UKLTD बेस पे हम दोबारा अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? और जब मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ था, मैंने उसके बाद ईबे की टीम से कॉन्टेक्ट भी किया, उन पे फ़ोन पे कॉल भी की, लेकिन उसके बावजूद ईबे ने जो अकाउंट है वो मेरा रीएक्टिवेट नहीं किया और इसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। ओके, तो इसके लिए आपने फिर क्या करना है, इस अकाउंट को हमने क्लोज कर देना है। उसके लिए आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे करना क्लिक। ओके, और यहाँ पे ईबे का जो पासवर्ड दिया आपने, वो आपने पासवर्ड दे के इसको आपने साइन इन कर लेना। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू पे, और इसके लिए आपने ऊपर जाना है अपने अकाउंट सेटिंग में, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड पे क्लोज अकाउंट, आपने क्लोज अकाउंट के ऊपर करना है क्लिक। ओके, और फिर आपने यहाँ पे सबसे नीचे आना है, यहाँ लिखा हुआ है क्लोज अकाउंट। ओके, आपने क्लोज अकाउंट के ऊपर करना है क्लिक, और फिर यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी करनी है सेलेक्ट। कैटेगरी आप कोई भी कर लें, ठीक है? यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी अकाउंट इशू, और यहाँ पे रीज़न आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जी आई डोंट लाइक ईबे पॉलिसी, और यहाँ पे चेक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी? तो यहाँ पे ईबे कह रहा है जी हमने जो आपकी रिक्वेस्ट है वो रिसीव कर ली है, और हम आपको विद इन 1 डे या 24 आवर्स में आपको अपडेट कर देंगे। आपको हम एक ईमेल सेंड करेंगे, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने अपना जो अकाउंट है वो क्लोज़ कैसे करना है, ठीक है? तो ये आपको ईमेल है वो जल्द ही रिसीव हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो डेट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।